हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी खूबसूरत जगह है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और खास करके इस हैट में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ चिल्का लेक और ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लाइफ जैकेट लेनी पड़ेगी, और चिल्का लेक कवर करने में आपको 3 से 4 आवर्स लगते ही हैं। और यहाँ पे पूरे पैकेज शायद 4000 के आते हैं पूरे चिल्का लेक घूमने के। और यहीं पे मिल रही थी हैट, तो हमने हैट भी ली। और फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बोट पे और घूमते हैं चिल्का लेक। चिल्का लेक इज एशिया लार्जेस्ट लेक, और यहाँ की बोट की सिस्टम है 1 family 1 boat। तो यहाँ पे मेरी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है और मैं एक्सप्लोर करूँगी। आप सब इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। चिल्का लेक 1100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, और यहाँ पे ये आइलैंड पे अब हम लोग को ले जाया जा रहा है, और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। तेल समुद्र के अंदर ही पाया जाता है, यहाँ से पे ऑफ बंगाल ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से डिस्टेंस पर है। मछुआरे लोग तो जहाज से लेकर मछली पकड़ने निकल जाते हैं, हाई टाइड में माछ के साथ ही सब जाल में आ जाते हैं। तो आ जाते इसे तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है, जितने भी टूरिस्ट लोग आते सभी लोग को तोड़ तोड़ के। ना ही आपका पैकेज से आपको कोई चार्जेस देना पड़ेगा, एक्चुअली कभी कभी बार पड़ती है, इसलिए टूरिस्ट लोग को तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर से नेचुरल ऑल पाया जाता है। मोती हर सेल में नहीं पाया जाता, मोती किसी किसी में ही पाया जाता है, जिसमें स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद उसी के अंदर ही पड़े, इसीलिए इतने सारे गेस्ट लेकर ले जाते हैं। बोट पे भी लास्ट हो गए जे, एक बोट में एक मोती निकले तो तोड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोग बाहर से जो देखते हैं सिर्फ रेड में, नेचुरली सेल के अंदर कैसे पॉल होते हैं कभी नहीं देख सकते, इसी वजह से फ्री में दिखाया जाता है। सिर ये क्वार्टर आने वाले जो पानी के नीचे जिंदा, क्योंकि ये मर चुका है, पानी से बाहर आने पर ये फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर होने पर ही जिंदा रहता है। सर, अपने ज्वेलरी जो मोती देखते हैं परफेक्ट वगैरह, किंतु नेचुरली परफेक्ट नहीं आती, ये ऑनसेप टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही पाई जाती है, इसे सुनहरी लेकर घिसा कर राउंड करके ही अपने को भेजते, क्योंकि चंद्रमा का नाम से जाना जाता है। बेनिफिट देती है बॉडी को, अपना शांति के लिए, माइंड को फ्रेश रखना, गुस्से को कंट्रोल करना, छोटी छोटी बात का चिड़ापन को दूर रखना, इसका बेनिफिट। इसमें 2 कलर का पॉल पाया जाता है, एक व्हाइट, उसका मोस्ट रेयर पॉल है ब्लैक का नाम, जिसका बेनिफिट जॉइंट पेन, बीपी, शुगर कम होता है, चार्जेस के लिए बेनिफिट। थैंक यू। ये क्या है? ये समुद्र का पत्थर सर, सिराहत करते हैं, इसमें धार रहता है, ब्लेड जैसा धार रहता है, तो पता है सर इसका नाम, इसे छूने पहचान पर नहीं कर पाएंगे सर। समुद्र का दूसरा नाम है सर रत्नाकर, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, पुराण वगैरह में आदिकाल से भी जिक्र किया गया, किंतु रत्न कभी नीचे गिरा के नहीं पड़ा जो कोई भी उठाकर आप लोग को दिखा सकते हैं। रत्न किसी न किसी अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर 13 रत्न पाए जाते हैं। 13 रत्न में पहला रत्न आता है मोती, जो सिर्फ सीप में ही होगा, सीप नहीं होगा तो मोती भी नहीं होगा, क्योंकि वो कीड़ा है जो स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद को मोती में बना सकता है। और बाकी जो 12 रत्न रहते हैं पूरे 12 के 12 रत्न इसी के अंदर ही पाए, इसी पत्थर के अंदर ही पाए जाते हैं। बाहर से तो लगता है पत्थर है, एक जीव है, वाटर एनिमल का टाइप का जीव, कोई एक या 2 साल के लिए नहीं, ये 2000 या 3000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये देखिए सर, कैसे रहते दिखाई दे रहे, कीड़ा का पेट के अंदर रहते हैं, जैसे माँ का पेट में बच्चा रहता है। अब जिस ज्वेलर में जाएंगे जाकर कोई भी चीज खरीद कर सकते हैं, किंतु कोई नहीं है जो तुम्हारे आंखों के सामने तोड़ कर दिखाएगी एक्चुअली में कैसे पाए जाते हैं।
नीले रंग का है। सर ये सबसे सबसे खूबसूरत रत्न के नाम से जाना जाता है, मून स्टोन चंद्रमा, हिंदी में बोलते चंद्रकांत मोन। मून यानी चंद्रमा, जो चंद्रमा ही चमकता है। आई प्रोटेक्ट पेट का ठंडक डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस एंट्रेंस जॉब के लिए बेनिफिट। ज्वेलर में आप इसे खरीद करेंगे कैरेट की सबसे 17,000 है। यहाँ पर जब ज्वेलर को जाता है ये तो फेंका नहीं जाएगा, ज्वेलर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो पीस ही सबसे ट्रांसपोर्टिंग और सिर्फ लो प्राइस 3250 में, ना 10,000 ना 12,000, सिर्फ 3250 में ट्रांसपोर्टिंग। जितना भी देखेंगे सभी स्टोन एक कीड़े का पेट के अंदर रहते हैं, जैसे हमारा पेट के अंदर स्टोन बनता है इसका पेट के अंदर यही स्टोन भी बनता है, इतना खूबसूरत। सभी झूले वाला इनसे लेकर आपका इसी में बिठा कर चीज बेचते हैं सर, तो कोई नेचुरल कोई कौन सा नेचुरल है कौन सा डुप्लीकेट आप इसे बेच नहीं सकते। सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है, सबसे लो प्राइस का यही है सर, सिर्फ 650 का ही। ये मूंगा टाइप का है क्या? मूंगा ही है, मूंगा टाइप का नहीं, मूंगा ही है। अच्छा, ये मूंगा है, ये मूनस्टोन है। ये रियल रियल बेबी पिक किसी भाई डायमंड को छोड़ कोई ना खतन में डायमंड पा जाएगा सर। ये इतना जैसे डायमंड से शीशा का काट देता है जो पहचान है, इसे बाहर से पहचान सकते हैं। ये इतना स्ट्रांग होती है ना, कभी टूट कभी नहीं टूट। सर इसका बॉडी जो पत्थर होने की वजह से ये जो भी खाते है जो 1,000 साल 2,000 साल जिंदा रहते इसका पेट के अंदर जम जाता है, जमने पर ये धीरे धीरे लिक्विड जो होता है लाला लाला से धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग कुछ खाने पर भी हमारा पेट के अंदर स्टोन बनते हैं, इसी का पेट के अंदर ऐसा ही स्टोन। क्योंकि इसका दिखाई दे रहे सर बाहर कितना गंदा है, अंदर एकदम मार्बल जितना प्लेन है, इसलिए इस चीज इतना खूबसूरत आ रहा है। बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर एवर, क्योंकि मैंने पर्ल्स और स्टोन्स निकलते हुए देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरा एरिया डॉल्फिन एरिया है, यहाँ पे डॉल्फिन दिखती है और मैंने डॉल्फिन निकली थी, मैंने देखा भी पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो मोमेंट बहुत ही फास्ट था। डॉल्फिन्स देखने के बाद हम लोग आ गए थे दूसरे आइलैंड पे, यहाँ पे आपको सी फूड खाने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सी फूड मिल रही थी और आप खुद से अपने चॉइस के सी फूड बनवा के खा सकते हो। आइलैंड स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई, आप इस ब्लॉग को पूरा देखें और देखें कि इस आइलैंड में क्या है। मैं इस आइलैंड पे इंटर की चिल्का लेक से और फिर बीच में पड़ा ये जंगल और फिर सामने में दिख रहा था सी बीच। और आप यहाँ का व्यू देखो, ऐसा व्यू मैंने डिस्कवरी चैनल पे ही देखा था, बहुत ही अच्छा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में एक आइलैंड पे हूँ और सामने में जो सी दिख रहा था वो एकदम ब्लू कलर का। ये सी मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ये था मेरा चिल्का लेक का ब्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अभी पूरी पूरा घूमना बाकी है, मेरा और भी ब्लॉग है पूरी का, प्लीज़ मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर देखें। और अभी पूरी में बहुत कुछ है घूमना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।